जानवरों की एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपस में डिस्कशन हो रहा था कि इस अकाल से कैसे बचा जाए। तो सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, उन्होंने उस ग्रुप में एक वो भी था चील, चील जो उड़ता बहुत ऊंचा होता है, उन्होंने बोला कि चील तुम उड़ के जाओ और देखो कि पानी आसपास कहां है ताकि हम जल्दी से जल्दी वहां जा सके और अपनी जान बचा ले पानी पीकर। वो चील उड़ा उस पहाड़ के ऊपर से, वो उड़ा जंगल के पीछे पहाड़ था और पहाड़ के पीछे जाकर उसको पानी दिखाई दिया। वो चील उड़कर आया और उसने बोला देखो भाई मुझे पानी मिल गया है लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ पार करना है। एवरीबॉडी वाज हैप्पी, सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे कि भाई पानी मिल गया अब हमारी जान बच जाएगी। बंदरों के लिए बहुत आसान था, फूंक फांक के चले जाते, गीदड़ और भेड़ियों के लिए भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, हिरन के लिए भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत तेज भागता है, चील के लिए सबसे आसान था, लेकिन सबसे मुश्किल किसके लिए था? कछुए के, बहुत मुश्किल था। कछुए ने बोला देखो भाई तुम सब तो चले जाओगे लेकिन मैं पहाड़ पार करने से पहले ही मर जाऊंगा, मैं पहले ही बहुत प्यासा हूं, मेरे में ताकत नहीं बची है, मैं क्या करूं। सबने दिमाग लगाया और उसमें से सबसे ज्यादा तेज दिमाग चला चील का। चील ने कहा देखो मेरे भाई हम दोस्ती निभाएंगे, हम आपकी जान बचाएंगे लेकिन आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि मैं जब उड़ूंगा तो, अब चील के दो पैर होते हैं तो आप क्या करना, अपने मुंह से मेरे पैर को पकड़ लेना, कस के पकड़ लेना और मैं उड़ना शुरू हो जाऊंगा और मैं पहाड़ के उस पार आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आपने मेरे पैर पकड़े हुए तो मुझे बहुत दर्द होगा, दर्द होगा ना, कछुआ कोई उसके पैर को पकड़ के लटकेगा, दांत चुभेंगे, दर्द होगा। चील ने कहा वो दर्द भी मैं बर्दाश्त करूंगा क्योंकि हमने दोस्ती की है, वो दर्द भी मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन तुमने ये ध्यान रखना है कि चुपचाप बैठे रहना, तुम बोलते हो। हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो बोलते बहुत ज्यादा है, आपके आसपास है ऐसे ही वो कछुआ था जो बहुत ज्यादा बोलता था। अभी क्या हुआ, उसने कहा ओके 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 आई एम रेडी, आई एग्री विद ऑल ऑफ योर कंडीशंस, आपने जो बोला मैं बिल्कुल तैयार हूं। वो चील थोड़ा सा उड़ा, कछुए ने उसके पैर पकड़ लिए और वो उड़ना शुरू किए। जैसे ही वो उड़ना शुरू किए, बंदर तो पहले भाग चुके थे, अब जब कछुआ नीचे से कैसा दिखाई देता है, जब वो उड़ रहे थे तो उन बंदरों ने नीचे से कछुए को देखा और बंदरों की आदत क्या होती है, मस्ती करना, शैतानी करना होती है। ऐसे कुछ बंदर हमारे समाज में भी है, हर जगह होते हैं, उस जंगल में भी थे। तो अब जब वो कछुआ उड़ रहा था तो नीचे से बंदरों ने तालियां बजाई, सी सी द काउ डंग इज फ्लाइंग, द काउ डंग इज फ्लाइंग। काउ डंग मींस हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं, गोबर, उपला। कछुआ नीचे से कैसा दिखाई देता है, उपले की तरह, उसका कलर ब्राउन था। कछुए के कान में आवाज गई, उसको बड़ी सुंदर आई, मेरे को काउ डंग बोल रहे। लेकिन चील ने आंखें दिखाई, चुपचाप बैठा रहे, वो सीधा हो गया। थोड़ा सा और आगे गया, एक बंदर फिर से पेड़ पर दिखाई दिया, उस बंदर ने और तेज आवाज लगाई, सी सी द काउ डंग इज फ्लाइंग। कछुआ तिल मिला गया, गुस्सा आ गया एकदम, अच्छा मुझे काउ डंग बोल रहे हो। थोड़ा और आगे गया, बंदरों का एक और झुंड, उन्होंने भी बोला सी द काउ डंग इज फ्लाइंग। अब नहीं रहा गया उस कछुए से, उस कछुए ने बोला हु इज काउ डंग और वो कछुआ नीचे गिरा और मर गया। दोस्तों ये वो कहानी है आपके सीनियर्स और आपके बीच में जो रिलेशन, आपके सीनियर्स और हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, हम लोग आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ेंगी। चाहे हमें दर्द होगा लेकिन हम आपको उस पहाड़ के पीछे पानी तक ले जाएंगे, यानी कि आपके सपनों तक ले जाएंगे, लेकिन आपको आपके अप्लाइंस पर भरोसा करना।
क्या ये एक तुक्का था? No. No. No, sir. Is it a matter of luck or a matter of chance? आप बताइए क्या था? क्या ये by chance हो गया कि आपने Smart Value को join किया या ये किस्मत में लिखा था कि एक दिन आप सबको इस कुर्सी पे बैठना है, इस कुर्सी पे आपका नाम लिखा है? आप बताइए क्या है? किस्मत? Yes. क्योंकि हम मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, मैं हिंदू धर्म से हूं, हमारे धर्म में कहा जाता है कि हमारे पैदा होने से पहले हमारा पूरी जिंदगी लिखी जा चुकी है, जन्म पत्रियां बन जाती हैं, पंडित जी बता देते हैं। तो मैं तो यही मानता हूं कि अगर ऊपर वाला कोई बैठा है तो उसने ये लिखा था कि एक दिन मुझे स्मार्ट वैल्यू में आना है, और स्मार्ट वैल्यू में आकर ना सिर्फ अपने सपने पूरे करने हैं बल्कि हजारों करोड़ों लोगों के सपने पूरे करने में उनकी मदद करना। सो फ्रेंड्स, उस ऊपर वाले पर विश्वास करना होगा जिसने आपको यहां भेजा है, अपने अपलाइंस पर विश्वास करना होगा दैट यू आर ऑन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। क्लियर हो रहा है आपको? Yes. आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, और जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कोई और आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा दैट यू कैन रीच ऑन टॉप, आप टॉप पर पहुंच सकते हो, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको ऊपर नहीं पहुंचा सकती। सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करो, सबसे पहले आत्मविश्वास पैदा करो, सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करो, उसके बाद ये बिजनेस शुरू होगा, उसके बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, उसके बाद एक नई उड़ान शुरू होगी। बिलीव और सो फ्रेंड्स, ये है स्मार्ट वैल्यू, ये है एक रास्ता कामयाबी का, ये है रास्ता सक्सेस का। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? Yes. आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, लेकिन अपने ऊपर विश्वास करते हुए अब बिजनेस कैसे होगा, आइए आप उसकी थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में बात करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस के चार पिलर्स हैं, देयर आर फोर पिलर्स ऑफ आवर बिजनेस, फोर पिलर्स ऑफ सक्सेस। फर्स्ट इज लिस्ट बिल्डिंग। आप जब भी कोई काम करते हैं उस काम का एक प्रोसीजर होता है, उस काम का एक तरीका होता है। हमारे इस काम को करने का जो तरीका है, सबसे पहले आपको जो काम करना है आपको एक लिस्ट बनानी है। सेकंड, क्वालिफाई एंड इनवाइट। इसके बाद आपको लोगों को उस लिस्ट में से चुनना है, क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने का मतलब यह देखना कि किसको इनवाइट करना है, और उसके बाद उनको हमें इनविटेशन देना है। यह सेकंड स्टेप है। Our third step is show the plan, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में STP बोलते हैं, जिसको प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, जिसको प्लान शो भी बोलते हैं, जिसको डिस्कशन भी बोलते हैं। हर स्टेट में अपनी अलग अलग वर्ड्स है, लेकिन STP यानी कि शो द प्लान, यानी कि फिर हम उस इंसान को इनवाइट करके बुला के हम उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीडबैक एंड फॉलो थ्रू। अब उस इंसान के माइंड में कोई भी सवाल है, उसके सवाल, उसके झिझक या जो कुछ भी उसके मन में आ रहा है उसको क्लियर करना है, और यदि उसका डिसीजन हो जाता है तो उसको आगे कैसे बिजनेस करना है ये सिखाना है। यही हमारे फोर बेसिक्स है, चार पिलर्स। जैसे कि आपने देखा होगा हर बिल्डिंग चार पिलर्स पर कम से कम खड़ी होती है, सेम वे हमारे बिजनेस के ये चारों पिलर्स हैं, ये चारों हमारे बिजनेस के पिलर्स हैं। इनमें से एक भी पिलर, आप बताइए, अगर किसी बिल्डिंग का कोई पिलर हल्का होगा, ढीला होगा, कमजोर होगा, तो क्या वो बिल्डिंग टिक पाएगी? नो नो। सो आपको इन चारों पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करते चले जाना है। हमारा जो भी बिजनेस है वो सिर्फ इन चार पिलर्स पर टिका हुआ। आपने अभी ज्वाइन किया, आप इन चार पिलर्स को समझेंगे, सीखेंगे, काम करेंगे। हम भी पिछले 10 सालों से इन्हें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और काम कर रहे हैं, और दिस इज अ प्रोसेस। इन चारों पिलर्स को सीखने के लिए पूरी जिंदगी भी कम है। हर रोज नए नए इन्वेंशन होते हैं, हर रोज नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन यस,
बेसिक में कम से कम इनिशियल स्टेजेस पर शुरुआत में सीखना जरूरी है। क्लियर हो रहा फ्रेंड्स? फोर बेसिक्स, ये चार पिलर्स हैं जो कि पूरी जिंदगी जिन पर हमें काम करना है। आइए अब हम पहले पिलर के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले पिलर के बारे में बात करने से पहले अभी क्या पहला पिलर क्या है? लिस्ट बिल्डिंग। आप एक बात बताएं, आपके घर में एक शादी है तो आप क्या करते हैं? सारे अरेंजमेंट करने के बाद लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, लेकिन इनवाइट करने से पहले क्या किया जाता है? एक लिस्ट बनाई जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई दोस्त छूट जाए, नहीं तो वो जब भी मिलेगा वो गिला शिकवा हमेशा करेगा कि तुमने हमें शादी में नहीं बुलाया। सेम वे दोस्तों, ये भी शादी करने के बराबर है। यहाँ पर भी एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट को बनाते समय ये ध्यान रखना है कि कहीं कोई छूट ना जाए। लेकिन एक बात और है, शादी में लिस्ट बनाते समय कुछ लोगों को हम छोड़ देते हैं, इसने मेरे को अपनी शादी में नहीं बुलाया था, इसको नहीं बुलाना। लेकिन यहां पर हम किसी को छोड़ते नहीं है, क्योंकि लिस्ट बनाने का पहला रूल है प्लीज डू नॉट प्रीजज एनीवन। पहले से अंदाजा नहीं लगाना कि किसको नाम लिखे और किसका नाम नहीं, पहले से अंदाजा नहीं लगाना। क्लियर हो रहा फ्रेंड्स आपको? सो क्यों लिस्ट बनानी है, समझ में आया? लिस्ट इसलिए बनानी है फ्रेंड्स क्योंकि हमारा काम है रेकमेंडेशन का। व्हाट इज रेकमेंडेशन, इस शब्द को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप में से किसी से, मिस्टर तजेंद्र से। बैठे रहिए मेरे दोस्त। तजेंद्र जी, आपके पास कौन सा व्हीकल है? पल्सर 150। ओके, ये पल्सर आपने कितने की खरीदी? 71,000। ये पल्सर जब आपने खरीदी तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना घटित हुई कि आपने पल्सर ही खरीदी? आपने हीरो होंडा या पैशन या और भी जो बाइक्स है वो क्यों नहीं खरीदी, पल्सर क्यों खरीदी, किसके कहने पर खरीदी? खुद को अच्छी लगती थी, उसकी लुकिंग अच्छी लगती थी। आपको उसकी लुक अच्छी लगती थी? पल्सर की एड आती है टीवी पर? एड आती है पल्सर की? कौन सा हीरो एड करता है? कोई हीरो एड नहीं करता। ओके, पल्सर की कोई हीरो एड नहीं करता। आपको उसकी लुक अच्छी लगी, आपने फाइनल कर दिया कि पल्सर लेनी है। उदाहरण के तौर पर आपने ये फाइनल किया कि पल्सर लेनी है, आपने 71,000 रुपए अपनी जेब में डाला। आप एक दिन बड़ी अच्छी सुबह थी, आप सुबह अपने घर से निकले कि मैं पल्सर खरीदने जा रहा हूं। आप जा रहे थे बड़े अच्छे मूड से, गाना गाते हुए, जिंदगी एक सफर है सुहाना क्योंकि पल्सर खरीदने जा रहा हूं। लेकिन रास्ते में आपका एक बचपन का दोस्त मिल गया और उस दोस्त ने बोला, अरे तजिंदर बड़ा खुश नजर आ रहा है, कहां जा रहा है? आपने बोला, यार मैं आज पल्सर बाइक खरीदने जा रहा हूं। उसने कहा, पल्सर खरीदने जा रहा है यार, प्लीज पल्सर मत, मैंने 3 महीने पहले ली थी, वो आज भी घर पे पड़ी है, ना चलती है ना ठीक होती है, पैसा लगा लगा के थक गया हूं, दुखी हो गया हूं, 20,000 में भी बिक नहीं रही है। यदि आपका दोस्त ऐसा फीडबैक देता तो क्या आप पल्सर खरीदते? क्यों नहीं खरीदते? आपको तो उसकी लुक बहुत पसंद है और हो सकता है शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान इसकी ऐड कर रहे हो। लेकिन मेरे दोस्त ने उसे यूज किया। आपके दोस्त ने उसको यूज किया तो सलमान खान की बात झूठी साबित हो गई या आपके दोस्त की बात झूठी है? दोनों में से एक आदमी झूठा। ऐसा हम तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो बड़े लोग केस कर देंगे हमारे ऊपर। लेकिन कुल मिलाकर फ्रेंड्स, दुनिया की हर सेल एक चीज से शुरू होती है, वो है रेकमेंडेशन, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। एडवर्टीजमेंट सिर्फ अवेयरनेस का एक बहाना है। जब हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो वो एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है। लेकिन अल्टीमेटली जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी बड़ी चीज खरीदते हैं, तो पहले 4 लोगों से बात करते हैं, यस और नो, यस, और वो चीज होती है रेकमेंडेशन, जो बचपन से लेकर आज तक बिना किसी फायदे के हम करते आए हैं। एक अभी सर्वे किया गया और उसमें पता चला, ऑन एन एवरेज हर इंसान दिन में कम से कम 1 या 2 रेकमेंडेशन अनकॉन्शियसली करता है। आज मान लो आप मेरे दोस्तों,
आपका नाम विमन नाथ। मान लो विमन आप मेरे दोस्त हो, आप कहां के रहने वाले? आसाम के। मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं दिल्ली से आसाम गया और मैंने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना है। तुम मेरे दोस्त हो विमन, तुम मुझे बताओ आसाम में आपके लोकेलिटी में सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है? होली क्रॉस। विमन ने मेरे को बताया सबसे अच्छा स्कूल है। हो सकता है कि मैं अपने बच्चों का एडमिशन वहां कराऊंगा, अगले 12 से 15 साल तक मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, होली क्रॉस को मैं 20 25 30 लाख रुपए का बिजनेस दूंगा। लेकिन मुझे होली क्रॉस में किसने भेजा? विमन ने। लेकिन विमन को चांदनी भी मिली? बचपन से लेकर आज तक हम डेली एक दो ये करते आए हैं। अभी क्या मैंने इसका नाम बोला आप बताओ? लिखना चाह रहा था, किस किस को याद है? रिकमेंडेशन डेली एक या दो हम करते आए हैं, लेकिन हमें आज तक उसकी चवन्नी भी नहीं हुई। और जो लोग झूठी रिकमेंडेशन कर रहे हैं उनको करोड़ों रुपया मिल रहा है। मैंने उस दिन ऐड देखी, आदरणीय माननीय सम्माननीय हेमा मालिनी जी एक वॉशिंग पाउडर की ऐड कर रही थी। ये वॉशिंग पाउडर सबसे बढ़िया है। ईमानदारी से बताना, आपका दिल क्या कहता है, हेमा मालिनी की कपड़े धोती होंगी? है जी? यदि वो कपड़े धोती होती तो अभी तक इतनी खूबसूरत दिखाई देती क्या? नो। वो झूठ बोलती है। क्यों? क्योंकि उनको पैसा नहीं। यस और नो? यस। ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं जो ये हीरो हीरोइन करते हैं, जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सेलिब्रिटी बन गए वो करोड़ों रुपया लेते हैं झूठे रिकमेंडेशन का। लेकिन हम लोग सच्चे रिकमेंडेशन का, अगर हमें पैसा मिलना शुरू हो जाए तो कोई बुरी बात है? No. मेरे दोस्त, आज अगर तुम्हारी एज 25 साल है, 25 साल में आपने बचपन से 3 साल की उम्र से बोलना शुरू किया, 3 साल से 25 साल तक 22 साल तक आपने हर रोज रिकमेंडेशन किया, हर रोज कम से कम 2 चीजों के बारे में बोला, किसी ना किसी चीज के बारे में, अगर हर रिकमेंडेशन पे आपको 1000 रुपया 500 रुपया भी मिल जाता तो आज आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होता बताइए? लाखों रुपए होता। लेकिन मजबूरी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो रेकमेंडेशन पर पैसा दे। हमारा सिस्टम है जो रेकमेंडेशन पर पैसा देता है, टाइम कंपाउंडिंग साइंस के हिसाब से पैसा देता है, इनकम देता है। ये हमारा सिस्टम है। क्लियर हुआ आपको? Yes. तो जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो क्यों इनवाइट कर रहे हैं? क्योंकि आप उसको रेकमेंड कर रहे हैं, आप उसको सलाह दे रहे हैं कि मेरे दोस्त एक चीज मैंने ली थी, एक सिस्टम मैंने देखा था, उस सिस्टम से मुझे फायदा हुआ, तुम भी इस सिस्टम में आओ तुम्हें भी फायदा होगा। जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं या हमें कोई अच्छी चीज मिलती है तो सबसे पहले हम किसको बताते हैं? अपने खास लोगों को बताते हैं। सेम वे हमें यहां पर यही करना है, सबसे पहले हमें अपने खास लोगों का नाम। क्लियर हो रहा है? आइए देखते हैं ये नाम कैसे लिखना है। This is list building. आपको एक रजिस्टर लेना है, छोटी कॉपी नहीं लेनी, रजिस्टर बड़ा बिग, और उसमें सबसे पहले एक कॉलम बनाना है सीरियल नंबर। क्लियर? सीरियल नंबर हम लोग बचपन से लिखते आए हैं। क्या लिखते हैं सीरियल नंबर? 1 2 3। लेकिन अब 1 2 3 नहीं लिखना, अब लिखना है 300, 299, 298, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और कम से कम 300 नाम लिखने हैं इस लिस्ट में। क्लियर हो रहा है? तो सीरियल नंबर कितने से शुरू होगा? 300। नेक्स्ट नेम, जिसका भी आप नाम लिखना चाहते हैं, एज अगला कॉलम बनेगा, उसकी उम्र, लोकेशन, कि ये जो इंसान है ये किस लोकेशन पर रहते हैं, फोन नंबर। आजकल सभी के 1 2 3 फोन नंबर होते हैं, सारे फोन नंबर इसमें लिख रहे हैं। सर्कल, हॉट, वार एंड कोल्ड। हम सभी की लाइफ में 3 तरह के सर्कल होते हैं। एक होता है हॉट, जो हमारे सबसे खास लोग, बिल्कुल खास, जो हम पर पूरा विश्वास करते हैं। एक होता है वार्म, जो हमारे ऊपर
थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं और एक होता है कोल्ड जो हम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। सभी के सर्कल में तीन लोग होते हैं तीन तरह के, तो आपने ये लिखना है कि ये इंसान हॉट सर्कल में आता है, वार्म में आता है या कोल्ड में आता है। नेक्स्ट कॉलम इज रिलेशन, आपका इनसे क्या रिलेशन है, ये आपके दोस्त है, ये आपके भाई है, ये आपके कजन है, ये आपके चाचा के लड़के हैं या ये पड़ोसी है, क्या है ये लिखना है। सेकंड वन इज ऑक्यूपेशन, वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट है, वो बिजनेसमैन है, वो जॉब करते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं यहां पर लिखिए। नेक्स्ट कॉलम इज कैटेगरी, हमारे सर्कल में तीन तरह के लोग होते हैं, ए बी एंड सी। ए वो लोग जो हमारे से क्वालिफिकेशन में, पैसे में, स्टेटस में जो हमारे से ऊपर के लोग हैं, उसे हम बोलते हैं ए कैटेगरी। बी कैटेगरी जो एजुकेशन में, स्टेटस में, इनकम में हमारे बराबर के हैं, एंड सी जो एजुकेशन में, इनकम में, स्टेटस में हमारे से नीचे के लोग हैं। सभी के सर्कल में ये तीन तरह के लोग होते हैं, यस और नो? यस, ये तीन तरह के लोग होते हैं। आपने इस आदमी के नाम के आगे लिखना है ए बी और सी कि ये क्या है, क्लियर? यस। इसके बाद आपने लिखना है डी ओ आई, डी ओ आई मीन्स डेट ऑफ इनविटेशन, कि आपने किस डेट को इनविटेशन किया, राइट फ्रेंड्स? नेक्स्ट कॉलम इज डेट ऑफ एसटीपी, एसटीपी मैंने अभी आपको क्या बताया था, कोई याद है किसी को? शो द प्लान, वंडरफुल। डीओएफपी डेट ऑफ फीडबैक, जब प्लान शो करने के बाद हम उनसे दोबारा मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, फीडबैक। एंड नेक्स्ट कॉलम इज डेट ऑफ आरएफपी, नाउ व्हाट इज आरएफपी, रीफीडबैक। कई बार एक मीटिंग में आप उनको नहीं समझा पाते हैं तो उसके लिए एक बार दोबारा या कई बार भी मिलना पड़ सकता है। हमने ऐसे कई फीडबैक देखे हैं जिसमें कई बार सीटिंग करनी पड़ी, क्लियर हो रहा है? क्योंकि फीडबैक का मतलब है एक पेशेंट को आप देखने जा रहे हो, यू आर अ डॉक्टर, ही इज अ पेशेंट, वो एक पेशेंट है और उसको एक पेशेंट को बीमारी है, वो बीमारी क्या है, हो सकता है गरीबी, हो सकता है उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, हो सकता है उन्हें इंश्योरेंस की जरूरत है, हो सकता है उन्हें एजुकेशन की जरूरत है, उन्हें क्या जरूरत है ये हम नहीं जानते, हो सकता है उन्हें एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। तो कई बार हम उनको पहली मीटिंग में या पहली मीटिंग में इतना सफिशियंट टाइम नहीं होता कि सब समझा सके, उसके लिए कई बार री फीडबैक भी करने जरूरी होते हैं। तो आप री फीडबैक का भी डेट लिखेंगे। एंड लास्ट कॉलम इज रिजल्ट, नाउ इतना सब करने के बाद क्या रिजल्ट रहा ये बताना जरूरी, ये लिखना जरूरी, क्लियर हो रहा फ्रेंड्स? आपने ये लिस्ट को फिलअप करना है, सीरियल नंबर कम से कम आपको 300 नाम लिखने हैं इस लिस्ट में, 300 नेम्स। आप हमें ये बताएं इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए आपको कितने लोगों की जरूरत होती है? दो अच्छे ठीक है? Yes, लेकिन उन दो अच्छे लोगों को ढूंढने के लिए आपको 300 नाम लिखने की जरूरत क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। Yes, आप भी सोच रहे होंगे यार दो लोगों को ढूंढना है, why 300? लेकिन फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं, 300 नाम क्यों लिखने हैं, क्योंकि जब आपके पास 300 नाम होंगे तो आप अपनी मर्जी से काम कर पाएंगे, आप लोगों को चुनकर काम कर पाएंगे। यदि आप सिर्फ दो ही लोग होंगे तो आपकी मजबूरी होगी उन दो के साथ काम करने की, चाहे वो अच्छे हैं या नहीं है, आपको उन दो के साथ ही काम करना पड़ेगा। सो यू हैव टू राइट 300 नेम, क्लियर हो रहा है? Yes. ये लिस्ट, एक चीज और बताता हूं मैं, क्योंकि मैंने जब पहली बार ट्रेनिंग ली थी मेरे माइंड में सबसे बड़ा सवाल ये आया था कि 300 नाम क्यों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं, इस रजिस्टर को मेरे सीनियर ने नाम दिया था मनी रजिस्टर, और ये हमारे हर बिजनेस में रॉ मेटीरियल होता है कुछ ना कुछ,
कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होता है जिसको प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो है लेस। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने 1000 2000 3000 5000 लोगों तक की लिस्ट बनाई। ऐसे ऐसे लोग मेरे पर्सनल टच में। क्लियर हो रहा है? यस। तो आपको ये लिस्ट बनानी है और इस लिस्ट में अब नाम कहां से आएंगे, आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं कि किस तरह के लोग इस लिस्ट में आने चाहिए। दिस इज कॉल्ड फ्रेंड्स थ्योरी। फ्रेंड्स से मतलब दोस्त। यस और नो? फ्रेंड्स थ्योरी। फ्रेंड्स में एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स, आपके दोस्त। यहां पर हमने ये नहीं लिखा गुड फ्रेंड और बैड फ्रेंड। दोस्तों दोस्त ही होते हैं, अच्छे या बुरे नहीं होते। आपके जितने दोस्त हैं उनके नाम उठाकर लिख दो। आपके बचपन से आज तक जितने दोस्त थे सबके नाम लिख दो। याद करो जब आप प्राइमरी स्कूल में थे तब आपके बहुत सारे दोस्त थे। आपने फिफ्थ क्लास में अपना स्कूल बदल दिया, नई क्लास में और दोस्त बन गए। आप ट्वेल्थ क्लास में गए, अलग दोस्त थे। आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, अलग दोस्त थे। आपने तीन बार मकान बदला, हर तीन बार आपको नया मोहल्ला मिला, नए दोस्त मिले, नए पड़ोसी मिले। वो सारे दोस्तों का नाम लिख देना है, चाहे वो आज आपसे टच में हो या ना हो। क्योंकि लिस्ट बनाने के लिए एक पंच लाइन है मेरे दोस्तों, पंच लाइन है डू नॉट प्रीजज एनीवन। पहले से अंदाजा मत लगाओ कि ये आदमी इस काम के लायक है या नहीं है, करेगा या नहीं। वो किसी भी लायक ना हो, कम से कम इस लायक तो है कि इसका नाम लिख, कम से कम इस लायक तो। सो आपने अपनी सभी दोस्तों का नाम लिखना है। इसके बाद आर फॉर रिलेटिव्स, आपके जितने संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं ये मैंने नहीं पूछा। रिश्तेदार है नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आई फॉर इंटरेस्टेड। आप जानते हैं जैसे ही आपको आईडी नंबर मिलता है आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, एक अथॉरिटी मिल जाती है एक तरीके से कि आप पूरे भारत में इस बिजनेस को कर सकते हैं। हो सकता है आज आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपके बहुत सारे रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, आपके बहुत सारे रिश्तेदार यूपी में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में, कहीं भी। हर स्टेट की एक अलग लिस्ट बना लीजिएगा। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका बिजनेस पूरे भारत में फैले? चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? Yes! यदि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस पूरे भारत में फैले तो हर स्टेट की अलग लिस्ट बनानी है मेरे दोस्त, हर स्टेट की अलग लिस्ट। आइए आगे देखते हैं। ई फॉर एजुकेशनल। एजुकेशनल से क्या होगा? हमने आज तक जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, जहां जहां आप गए, हर जगह का आपका सर्कल बना, उन सभी के नाम इस लिस्ट में लिखे। एन फॉर नेबर, पड़ोसी। ऑन एन एवरेज हर आदमी ने, हर आप में से जितने एसोसिएट्स हैं, सभी ने एक या दो बार तो मकान बदल लिया होगा। कुछ लोगों के पापा की जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल है, वो ट्रांसफर होती रहती है, उन्होंने 10-10 बार भी मकान बदले। जहां पर भी आप गए नए पड़ोसी आपको मिले, वो सारे पड़ोसी याद करो और उनका नाम लिखो। क्लियर फ्रेंड्स? डी फॉर डियर वंस। हाँ, ये कुछ लोग होते हैं जो ना तो दोस्त हैं, ना पड़ोसी हैं, ना रिश्तेदार हैं, इन सबसे खास है जिनको हम किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते, उनको इस कैटेगरी में। डियर वंस उनके नाम लिख रहे हैं। डी से हमारे एक एसोसिएट ने एक और फॉर्म निकाल दिया, डॉक्टर्स, जहां से आप दवाई लेते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? उनको भी तो कुछ नई चीज की जरूरत है, वो भी थक गए हैं लोगों को दवाई देते देते, लोग ठीक नहीं होते हैं। एक बीमारी के लिए दवाई दो, दूसरी बीमारी लग जाती है, क्यों ना उन्हें नरिश होने के बारे में बताया जाए। डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा जरूरत है इस सिस्टम। हाई प्रोफाइल होता क्या है? हमारी नजर में जो हाई प्रोफाइल है, आई रिपीट, हमारी नजर में जो हाई प्रोफाइल है, जरूरी नहीं है कि वो अपनी नजर में भी हाई प्रोफाइल। मेरा एक फ्रेंड है दिल्ली में, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड हिज सैलरी पैकेज इज अराउंड 80,000 रुपीज पर मंथ, 80,000 रुपए महीने का वो लेता है।
तो एक दिन जब मैं लिस्ट बना रहा था मैं सोच रहा था कि 80,000 लेता है ठीक है यार उसका अच्छा गुजारा चल रहा है वो ये क्यों करेगा। लेकिन जब मुझे अपने सीनियर की ट्रेनिंग याद आई मैंने इमीडिएटली उसको कॉल किया उसे इनवाइट किया उसने ऑन द स्पॉट ज्वाइन किया। व्हाई? बिकॉज ही वाज अंडर प्रेशर। वो अपने बॉस के इतने प्रेशर में दब रहा था छटपटा रहा था और ज्वाइन करते ही उसने एक बात बोली कि ललित मैं इस सिस्टम को इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं और गुलामी नहीं करना चाहता। सो जो आपकी नजर में हाई प्रोफाइल है यू डोंट नो उसको इस सिस्टम में क्या पसंद आ जाए। हमारे सिस्टम में सिर्फ पैसा नहीं है, हमारे सिस्टम में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स मिलेगा, पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगा, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल मिलेगा, फॉरेन टूर्स मिलेंगे, लग्जरियस कार्स मिलेंगी, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल इंडस्ट्री मिलेगी। यू नेवर नो किस आदमी को क्या पसंद आ जाए। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? Yes. तो आपने सभी का नाम लिखना है एंड थ्योरी से क्या क्लियर होता है टी फॉर टीचर्स। हमारे जो टीचर्स हैं जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया हमारा फर्ज बनता है अगर हमें कोई अच्छी चीज मिली है तो हम उन्हें दें। एच फॉर हाउसवाइफ्स। बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं भारत में जिनके मन में एक तमन्ना है कि हम भी कुछ करें, थक गए हैं वो अपने घर पे चूल्हा चौका करते करते, उनका नाम लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ई फॉर एम्प्लॉयज। जो लोग जॉब करते हैं 9 से 5 की जॉब करते हैं और बाकी 5 से रात को 12 तक सोचते हैं कि इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, उनका नाम जरूर लिखना मेरे दोस्तों। O for officers, R for retired person, yes, ये जिंदगी की एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक आदमी थक जाता है, वो रिटायर हो जाता है, पूरी जिंदगी उसको काम करने की आदत थी लेकिन ऑल ऑफ अ सडन भारत सरकार ये बोलती है कि भाई साहब अब आपकी एज 60 हो गई है, 60 साल के अब आप हो गए, अब आप बूढ़े हो गए, अब आप घर बैठिए। लेकिन उसको ये नहीं पता उस इंसान का शरीर बूढ़ा हुआ है लेकिन उसका दिमाग तो अब जवान हुआ, वो कुछ करना चाहता है लेकिन उसके पास कोई काम नहीं है। स्मार्ट वैल्यू इज द बेस्ट ऑप्शन। सो रिटायर्ड लोगों को कभी मत भूलिए। यंग पर्सन।